नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दो दिनों से बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से नमो ऐप के जरिए बात कर रहे हैं। आज उन्होंने यूपी के करीब 22,000 कार्यकर्ताओं से बात की, कल बिहार के कार्यकर्ताओं से बात की थी, बंगाल के वर्कर्स से भी बात की है। हर जगह उन्होंने एक बात जरूर कही है, चुनाव में विजय की आत्मा पोलिंग बूथ में होती है, इसलिए एक एक बूथ पर फोकस करें। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज वायनाड से अपना चुनाव का पर्चा भर दिया। उन्होंने भी कई बातें कही, वो आगे बताऊंगी। फिलहाल ये बता रही हूँ कि गांधी नेहरू परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी, अमेठी रायबरेली पर मौन है। अब तक कैंडिडेट मिला नहीं, बताया नहीं। इधर अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी भी वायनाड पहुंच रही हैं। यहां वो बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन के नॉमिनेशन में मौजूद रहेंगी। क्या ये राहुल गांधी के खिलाफ टीम मोदी की वो घेराबंदी है जो उन्हें उनकी सो कॉल्ड सुरक्षित वायनाड सीट पर भी घेर लेगा? वैसे मुस्लिम और ईसाई बहुल केरल की वायनाड सीट पर अब की बार राहुल गांधी को कड़ी चुनौती इसलिए भी मिलने जा रही है क्योंकि लेफ्ट ने राहुल के खिलाफ अपना पूरा जोर लगा दिया है। वायनाड से सीपीआई नेता एनी राजा के खिलाफ राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर लेफ्ट के तेवर बेहद कड़े हो चुके हैं। कांग्रेस को एसडीबीआई के समर्थन को लेकर बीजेपी आक्रामक है, तो कांग्रेस मानो ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हमने नहीं मांगा एसडीबीआई से समर्थन, वो खुद दे रहे हैं, वो खुद दे रहे हैं समर्थन, तो हम क्या करें बेचारे। इस बीच आज बड़े मुस्लिम नेता मौलाना सज्जाद नोमानी ने राहुल गांधी के सामने एक तरह से समर्थन की शर्त रख दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल ऐसे लोगों से घिरे हैं जिनकी वजह से वो अपनी स्पीच में शायद ही मुसलमानों का नाम लेते हैं। अगर मैं ठीक समझ रही हूँ तो नोमानी साहब शायद ये कहना चाह रहे हैं कि मुस्लिम वोट पाना है तो मुस्लिम मुस्लिम करना पड़ेगा। सवाल पब्लिक का है कि क्या राहुल गांधी मुस्लिम वोटों के चक्कर में अपनों के बीच ही घिर चुके हैं? क्या एक अकेले मोदी सब पर भारी हैं इसलिए विपक्ष के खेमे में रणनीति ही नहीं तय हो रही? क्या एसडीपीआई का समर्थन राहुल गांधी को बेड़ा पार कराएगा? सवाल पब्लिक का आज यही है। आपको याद होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ये कहकर नहीं गए थे कि ये बीजेपी का पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। वैसे कांग्रेस ने राम मंदिर में ना जाने का फैसला उस माहौल में किया था जब केरल में कांग्रेस की गठबंधन पार्टनर आईयूएमएल का बैकबोन माना जाने वाला मुस्लिम संगठन समस्त केरल जमातियुल उलमा ने अपने मुखपत्र सुप्रभातम में लिखा था कि कांग्रेस का ये सोच विचार कि वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो भी सकती है, ये उत्तर भारत में हिंदू वोटों के छिटकने से रोकने के लिए है। कांग्रेस का यही सॉफ्ट हिंदुत्व कांग्रेस की आज की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है। आईयूएमएल ने यह तब कहा था जनवरी में। राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई बड़ा नेता राम मंदिर तो नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी से मौलाना सज्जाद नोमानी की शिकायत यह है कि वो अपनी स्पीच में मुसलमानों का नाम नहीं लेते। राहुल गांधी को सज्जाद नोमानी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि मोहब्बत की दुकान में बाकियों के साथ मुस्लिम को भी शामिल किया जाए, बराबर भागीदारी और उम्मीदवारी के आधार पर मुसलमानों का साथ दें। जैसे दूसरे समुदायों की बात करते हैं वैसे ही मुस्लिम के हक की बात करें, हमारी बेहतरी और भागीदारी सुनिश्चित करें। इस सब के बीच जब मुस्लिम ईसाई बहुल वायनाड सीट पर एसडीपीआई का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है तो बीजेपी को पलटवार का मौका मिला है। सुनिए स्मृति ईरानी का ये बयान।
सुना है कुछ लोग वायनाड में आज अपना पर्चा भर रहे हैं, वहां मेरे प्रदेश अध्यक्ष उसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं अब गत इतनी हो गई है उनकी राजनीति की कि आतंकवादी संगठनों से वो सहायता मांग रहे हैं। आज ये लोग अपनी सत्ता के लिए देश को धमकी देते हैं कि अगर मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन गया तो देश में आग लग जाएगी। मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूँ, कान खोल कर सुन लो, इस देश को पहले भी गोरों ने ललकारा था, इसी देश ने गोरों को धूल चटाई, इस देश को पहले भी दुश्मनों ने ललकारा था, इसी देश ने धूल चटाई, तुमने लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए अगर देश को धमकाया तो ये देश छेड़ता तो नहीं, लेकिन छेड़ा जाता है तो ये देश। बीजेपी की लाइन बहुत साफ है, वो कह रही है कि मोदी के सामने राहुल की दुर्दशा हो गई है क्योंकि उन्हें पीएफआई जैसे संगठनों का समर्थन पाने से भी परहेज नहीं, एसडीपीआई के समर्थन पर कांग्रेस का स्टैंड जो भी हो, लेकिन सच्चाई यही है कि एक अकेले मोदी के सामने विपक्ष के खेमे में खलबली तो जरूर मच गई है। ऐसा इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि आज बॉक्सर विजेंदर बीजेपी में शामिल हो गए, वो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ खड़े थे। दो दिनों पहले मथुरा में कांग्रेस टिकट पर उनके लड़ने की अटकलें भी आ रही थी। ऐसा इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज संजय निरुपम ने ट्वीट करके कहा है, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी नष्ट न करे, बल्कि अपनी बची कुची ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल करे पार्टी को बचाने के लिए। वैसे पार्टी भीषण आर्थिक संकट से गुजर रही है, मैंने जो एक हफ्ते की अवधि दी थी वो आज पूरी हो गई, कल मैं खुद फैसला ले लूंगा। तो संजय निरुपम भी गए, पृथ्वीराज चौहान का जो हो रहा है वो भी सबको पता है कि उनको अंदर से उन्हीं के खेमे से शरद पवार कह रहे हैं कांग्रेस नहीं हमारी टिकट पे लड़ लो। अरे भाई, अपने ही घर में डाका। मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि बिहार के पूर्णिया में गजब खेल चल रहा है। कांग्रेस नेता पप्पू यादव कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, जबकि आरजेडी की बीमा भारती ने आज नॉमिनेशन भर दिया। और नॉमिनेशन किसके साथ भरा? तेजस्वी यादव जी उनके साथ खड़े थे। तेजस्वी यादव जी जो किसी और के नॉमिनेशन पे नहीं गए कहीं पर भी, वो खड़े थे वहां बीमा भारती के साथ। बीमा भारती के साथ जो पूर्णिया में कांग्रेस के ही पप्पू यादव के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, ये कैसी दोस्ती है भला, ये कैसा इंडिया अलायंस है। और मैं ऐसा इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि अमेठी रायबरेली में कांग्रेस ने अब तक अपना उम्मीदवार खोजा नहीं, बता नहीं पाए। सवाल है कि क्या एक अकेले मोदी सब पर भारी वाला इम्पैक्ट है क्या? वायनाड से नॉमिनेशन के बाद राहुल गांधी ने भी आज बहुत कुछ कहा, इसे भी सुनिए। ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो आज सवाल पब्लिक का है, चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों का समर्थन लेने का आरोप कितना सही है? सवाल नंबर दो, अमेठी छोड़कर वायनाड गए राहुल गांधी के लिए क्या लेफ्ट और स्मृति ईरानी की घेराबंदी मुश्किल खड़ा कर सकती है? एक अकेले मोदी के सामने क्या वोटिंग से पहले इंडिया अलायंस में हड़कंप मच चुका है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, असीम वकार प्रवक्ता है AIMIM के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला जी को। और तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, राहुल गांधी
के खिलाफ बीजेपी का कैंडिडेट है और बीजेपी के कैंडिडेट के लिए स्मृति ईरानी जा रही है, यहां तक तो हमें पूरी पॉलिटिक्स समझ आ गई। पर भैया नोमानी साहब कह रहे हैं, नोमानी साहब कह रहे हैं कि आप मुसलमानों का नाम नहीं लेते, हिस्सेदारी नहीं देते, किस बात से घबरा रहे हैं? IUML ने तब कहा था कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व करते हैं और एनी राजा आपके सामने खड़ी हैं, यानी कि दोस्ती में इतनी बड़ी दरार कि कभी पिनरी विजयन, कभी एनी राजा और कभी डी राजा साहब कुछ ना कुछ कहकर आपको बताते रहते हैं कि भाई आप अमेठी से भागे हुए हैं, वायनाड में आकर छुपे हुए हैं और आप बीजेपी के साथ नहीं बल्कि वामपंथियों के साथ लड़ाई में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ, आज इतना बता दीजिए देश को कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका किसके बनाम चुनाव लड़ रहा है। ये इंडिया गठबंधन वर्सेस बीजेपी है, इंडिया गठबंधन वर्सेस मोदी है, या राहुल गांधी वर्सेस CPM CPI है? थैंक यू नाविका जी, आपने मुझे मौका दिया आपके शो में शिरकत करने का, क्योंकि विषय थोड़ा सा गंभीर है, कॉम्प्लिकेटेड है। मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे बोलने का समय देगी और मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। एक, सबसे पहले इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि एनी राजा को राहुल जी के सामने खड़े नहीं होना चाहिए। वाइल आई अग्री कि लेफ्ट वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई होनी चाहिए केरला में, क्योंकि वहां पर बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, एनी राजा जो डी राजा की पत्नी है उनको वहां पर नहीं खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि इससे खराब इंप्रेशन जाता है। तो ये इनके अलायंस पार्टनर्स को भी सोचना चाहिए। लेकिन बड़ी बात क्या है नाविका जी, मैं बड़े विनम्रता से और मैं आपका बहुत आदर करता हूँ, बहुत आपका सम्मान करता हूँ, आपने आपके ओपनिंग रिमार्क्स में और अब भी आपने प्रश्न में कहा मोदी वर्सेज ऑल, मोदी वर्सेज ऑल, ये मोदी जी वर्सेज ऑल कैसे हो के नाविका जी? ये ठीक है मार्केटिंग बीजेपी करती है, ठीक है, लेकिन जब मैं बार बार सुनता हूँ कि मोदी वर्सेज ऑल, अजीत पवार को काहे लिया फिर, छगन भुजबल जी को काहे लिए, प्रफुल्ल पटेल को काहे लिए, बाकी पार्टीज को काहे तोड़ रहे, चाचा भतीजा चिराग पासवान के बीच में काहे लड़ाई लड़ा रहे? मोदी वर्सेस ऑल नहीं है, इस चीज को हम मान लेते, मोदी जी भी वही कर रहे जो कांग्रेस करती थी, तोड़फोड़ करना और उससे अपना गठबंधन बनाना। मोदी जी भी गठबंधन में, हाँ इस बात में क्लैरिटी के मोदी जी इस गठबंधन के लीडर है और यहाँ पर राहुल जी है, लेकिन मोदी जी भी वही कर रहे। एक लास्ट चीज आपकी बात में समाप्त करता हूँ, आपने जो ये बात की कि आरोप लगा कि PFI का सपोर्ट मिला, SDPI का सपोर्ट मिला है, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की कोट करता हूँ 29 सितंबर 2022 का न्यूज आर्टिकल। माननीय इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया को एक्सक्लूसिवली कि हमने गृह मंत्रालय से 2 या 3 बार पूछा कि SDPI के खिलाफ हमें सबूत दे, आज तक वो नहीं दे पाए। मैं आपके डिबेट पे उस दिन था नाविका जी, और ये कहा गया था भाजपा के प्रवक्ता द्वारा कि कुछ दिनों में दे दिया जाएगा। आज 2024 से SDPI एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उसके खिलाफ हूं, कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन केरला में कहे हमें SDPI का सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन माननीय गृह मंत्री ने आज तक सबूत नहीं दिया और इस बात को उठाया। इसका मतलब यही है कि SDPI बीजेपी का अंग है, बीजेपी की मदद कर रहा है, पोलराइजेशन कर रहा है और बीजेपी हिंदू मुसलमान की सियासत कर रहा है। वरना आप स्पेसिफिक सवाल पूछिए कि SDPI अगर एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, होम मिनिस्ट्री ने अब तक 2 साल में क्यों डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज नहीं दिए, किस सवाल का जवाब दे? तहसीन पूनावाला जी, आपके 120 सेकंड खत्म हुए, थैंक यू। तो मैं नलिन कोहली जी से पूछती हूँ, नलिन कोहली जी PFI इस दौरान में बैन हो गई, शायद तहसीन पूनावाला को पता नहीं, और PFI की पॉलिटिकल जो विंग है वो उस पर क्या तहकीकात चल रही है और क्या हो रहा है, इसका जवाब आप दीजिए। लेकिन तहसीन पूनावाला कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस ऑल है ही नहीं, क्योंकि वहां मोदी है तो यहां राहुल गांधी लीडर है इंडिया अलायंस के। किसने बनाया भाई लीडर और कैसे लीडर हैं जिनको एनी राजा वहां पर खड़े होके इस तरह से चैलेंज कर रही हैं, जिनके बारे में पिनरी विजयन ऐसा कह रहे हैं, ये कैसे दोस्त हैं और कैसे दुश्मन? यहां नाविका जी 2-3 सवाल है। पहले है राहुल गांधी जी को लीडर कौन मानते हैं, दूसरी बात राहुल गांधी जी को कांग्रेस के सहयोगी दल क्या लीडर मानते हैं, और तीसरी बात है ये चिट्ठी नोमानी साहब ने क्यों लिखी। तो पहले आ जाए राहुल गांधी जी लीडर है नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है, देश की जनता को करना है। अभी तक देश की जनता ने कोई ऐसा संदेश नहीं दिया कि वो राहुल गांधी जी को एक राष्ट्रीय स्तर के लीडर को मानते। वो अमेठी में भी हारे, जो उनका पारिवारिक गढ़ रहा है कई दशकों के लिए, कांग्रेस पार्टी में उनका बहुत बड़ा वर्चस्व है क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार से है
और नेहरू गांधी परिवार के सदस्य कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं, या तो पद पे रह के या किसी को पद पे बिठा के। दूसरी बात, गठबंधन। गठबंधन कौन सा, कैसा, कहां का गठबंधन, हमें नहीं समझ आए। केवल नामकरण से गठबंधन नहीं बनता। नामकरण इंडिया अलायंस, ना उसका कोई नेता तय हुआ है, ना उसका कोई दफ्तर, ना चुनाव चिन्ह, सब आमने सामने खड़े वायनाड में, क्योंकि राहुल गांधी जी जब अमेठी में हारे तो वायनाड के सभाओं के पास कोई चारा नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में ना रायबरेली गए, ना किसी और सीट में गए, कहने को तो उत्तर प्रदेश से लंबा उनका रिश्ता है, लेकिन वायनाड तक आ गए। अब वायनाड में वामपंथी दल कह रहे हैं, जो सहयोगी दल कांग्रेस के प्रवक्ता मानते हैं, कि हम नहीं चाहते आप यहां से लड़े, और अब आप लड़ रहे हैं तो हम आपको हराने के लिए हर प्रयास करेंगे। अब तीसरा विषय आ जाता है अपने नोमानी साहब का। नोमानी साहब ने पत्र लिखा और आपका सवाल महत्वपूर्ण है, तो क्यों उन्होंने लिखा है, इसको भूलना नहीं चाहिए। पिछले जब आखिरी बार कांग्रेस की इस दशक में 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी, तो पहले आया सच्चर कमीशन। उस रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मुसलमानों का पहला अधिकार है देश के रिसोर्सेस पे, ये नहीं कहा कि गरीबों का है। गरीब में चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, किसी भी धर्म का हो, उसका अधिकार हो। अब ये दो मॉडल है, तो कांग्रेस ने अपनी राजनीति हमेशा की मुसलमानों की तरफ वोट बैंक के नजरिए से। मोदी जी की जो शासन काल है उसमें वादे नहीं, इरादों पे काम किए जाते हैं, जिसमें यह नहीं देखा जाता कि सरकार की कौन सी स्कीम कहां जा रही है। वो देखा जाता है कि सरकार की स्कीम उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जात का हो, स्कीम उनके घर तक पहुंचनी चाहिए, बस इतना ही देखा जाता है। तो इसीलिए नोमानी साहब ये प्रश्न पूछ रहे होंगे कांग्रेस से कि आप हमको भूल गए क्या, 10 साल में इतना बदला, अब हमारा नाम तक नहीं ले रहे। अब इसके प्रश्न उठेगा, क्यों कांग्रेस भूल रही है या घबरा रही है? कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के सलाहकारों ने कहा होगा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में तो आप गए नहीं, कोई नहीं गया कांग्रेस से, कांग्रेस के कई नेता कह रहे थे जाना है, भगवान श्री राम को काल्पनिक कह दिया आपने। तो भाई ऐसा है, हिंदू समाज के मन में ये सारी बातें, तो अगर आप अगर वोट बैंक की राजनीति करेंगे मुसलमानों को टारगेट करते हुए, तो हो सकता है जो चुनाव के समय पे आप शिव भक्त हो जाते, ये हो जाते, उसमें दिक्कत आ सकती है। तो अब वो कह रहे हैं हम गांव के गरीबों, देश के गरीबों की बात कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, पर मोदी जी तो ऐसे ही वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी शायद मोदी जी की राजनीति से फाइनली प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उनके वोट बैंक उनको कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे वोट बैंक तो वोट बैंक के हेर फेर में। और मैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी से पूछना चाहती हूँ, ये वोट बैंक का कैसा हेर फेर है? हिंदुओं के आप हो ना सके, क्योंकि आप राम मंदिर और राम के बारे में जो कहते हैं वो सबको पता है, और चुनावी हिंदू आप कैसे बनते हैं इसकी भी चर्चा बीजेपी करती रहती है, और मुसलमान आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो यहां आप किसी के हो ना सके, वहां कोई आपको अपना बना नहीं रहा। क्या राहुल गांधी के लिए ये वायनाड में एक अजीब सी स्थिति नहीं उत्पन्न हो गई? नवगया जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस, उनको इस बात का भरोसा है कि वो कोट अनकोट जो सेकुलर कहते हैं उस क्रेडेंशियल पर वो कम्युनिस्टों से थोड़ा ज्यादा खरे उतरेंगे। कम्युनिस्टों को लगता है कि अगर इस बार हम हार गए तब तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वैसे ही पश्चिम बंगाल से ममता जी ने बाहर कर दिया, त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी ने बाहर कर दिया, देश के और किसी हिस्से में हम हैं नहीं। तो उनको लगता है कि केरल में राहुल गांधी आ रहे हैं तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी से डर कर आ रहे हैं, और यहां वो आ रहे हैं तो वो हमारे ही उसमें सेंधमारी कर। अब वायनाड की सीट की बात करें तो राहुल गांधी से पहले भी कांग्रेस वहां जीतती रही, लेकिन पहले 2014 में 45% वोट था, 2019 में 65% वोट मिल जाता है। अब इस बार कम्युनिस्टों ने भी थोड़ा लड़ाई कड़ी कर दी है, डी राजा की पत्नी एनी राजा लड़ रही, और जिस तरह से पिनराई विजयन और डी राजा एनी राजा सब हमलावर हैं वो दिखा रहा है कि केरल में कांग्रेस पार्टी के लिए आसानी नहीं। लेकिन हाँ, जब मुस्लिम लीग समर्थन करे और कहे कि मत जाना राम मंदिर की तरफ, राहुल जी राम मंदिर की तरफ देखते नहीं, सोनिया जी, खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी जी को निमंत्रण रहता है, नहीं देखते हैं, वो जाते ही नहीं, उधर उधर जाना ही नहीं। और अब अगर SDPI समर्थन कर रहा है तो इसको सफलता के तौर पर देखेंगे,
राहुल गांधी कम से कम अपनी एक सीट तो सिक्योर करें नवका जी, क्या आप चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल वैसे ही स्मृति ईरानी से डर कर भागे हैं तो लौट नहीं रहे? देखिए मुश्किल है उनकी बड़ी, तो कम से कम संसद में पहुंचने का इंतजाम अगर वायनाड उनके लिए कर रहा है तो सब कुछ करेंगे, जो कुछ करना होगा वो सब करेंगे। अभी नलिन जी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान का राष्ट्रीय विकास परिषद में जो उन्होंने दिया था, उसके अलावा भी ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं। राहुल गांधी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2007 में कहा था गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी ढांचा नहीं गिरता। तो ऐसे ढेर सारे उदाहरण हैं, और वैसे भी ये तो सेकुलरिज्म का प्रतीक होता है इफ्तारी और ये सारी चीजों का, तो हो सकता है कि यही राजनीति में हो, राम मंदिर की तरफ नहीं जाना है। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले के तहसीन पूनावाला जी मैं आपके पास आऊं, तस्वीरें दिखाना चाहती हूं आम आदमी पार्टी के नेता और एमपी राज्यसभा संजय सिंह जी इस वक्त जेल से बाहर निकल रहे हैं, तिहाड़ जेल से उन्हें कल बेल मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा और अब वो तिहाड़ जेल से बाहर निकल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती थी जिस तरह से चर्चा चल रही थी कि केजरीवाल जी के एब्सेंस में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कुछ अटकलें लग रही थी कि शायद सुनीता केजरीवाल बनेगी, लेकिन अब संजय सिंह जी बाहर आते हैं तो क्या राजनीति का रुख रहेगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी और यही इस वक्त की बड़ी खबर है। और पॉलिटिकल और राजनीतिक इम्पैक्ट इसका क्या होता है आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन छः महीने में ये पहली बार संजय सिंह जी बाहर आ रहे हैं। तो मैं डिबेट पर वापस जाती हूँ, लेकिन ये तस्वीरें हम अपनी स्क्रीन पर बनाए रखेंगे क्योंकि ये ताज़ा डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट आ रहा है और वो संजय सिंह जी जीप के ऊपर खड़े हो रहे हैं, अपने तमाम समर्थकों को हाथ हिलाकर कह रहे हैं कि मैं वापस आ गया, नेता हूँ आम आदमी पार्टी का, चिंता की कोई बात नहीं है। कुछ नेता अंदर ज़रूर है लेकिन मैं बाहर हूँ और कोई ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, ये भी कह रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ लेकिन हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं तो शायद बहुत हर्षोल्लास की ज़रूरत नहीं है अपने समर्थकों को बताते हुए। ये तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर बनी रहेंगी, लेकिन पूछना चाहती हूँ असीम वकार साहब आपसे, अब मुसलमानों का असली हिमायती कौन है? CPI की एनी राजा है, IUML है, SDPI है, कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है, कौन है? क्योंकि नोमानी साहब की चिट्ठी में जिक्र है असदुद्दीन ओवैसी साहब का कि वो अक्सर कहा करते हैं कि ये मुसलमान वोट के लिए मुस्लिम माइनॉरिटी की बातें करते हैं लेकिन हिस्सेदारी नहीं देते, और बाद में कहा कि ना सिर्फ पहले ये कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, अब ये राजनीति से परे भी लोग कहना शुरू कर चुके हैं। तो असल हकदार है कौन और क्या मुस्लिम वोट का ही सारा लेखा जोखा है ये जो इंडिया अलायंस में हलचल चल रही है? ना देखिए, असली बात तो यह है कि अल्पसंख्यक करके मुसलमान को भुला दिया गया और सबसे बड़ा जो वोट, सबसे बड़ा जो हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज में है वो है मुसलमानों की, लेकिन मुसलमानों का नाम भी लेना गवारा कोई नहीं समझ रहा था। आप देखिए उत्तर प्रदेश में ये कहा गया कि हमने PDA बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, फिर 15 दिन के बाद वो पिछड़ा दलित आदिवासी हो गया, फिर वो पिछड़ा दलित आधी आबादी हो गया, फिर वो पिछड़ा दलित अगड़ा हो गया। तो कोई किसी तरह से कोई स्टैंड नहीं क्लियर था कि जो ए है PDA में ये है क्या। कई बार ऐसा हुआ कि जब मुसलमान की बात आई तो मुसलमान का नाम ही नहीं लिया गया। आपको याद होगा अभी एक प्रोग्राम हुआ था आपका लखनऊ में, उस लखनऊ में आप ही इंटरव्यू ले रही थीं, उस इंटरव्यू में आपने एक सवाल पूछा था कि मुलायम सिंह यादव जी जब सक्रिय राजनीति में थे, जिंदा थे, तो वो कहते थे MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव, तो आपको याद है क्या जवाब मिला था? महिला और यूथ, MY महिला यूथ हो गया मुस्लिम यादव से।
याद होगा आपको, मैं भी उस प्रोग्राम में था आपकी जी। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में ये जो भ्रम पैदा हो रहा था, ये जो एक का जो भ्रम था, इसको पैदा जो किया जा रहा था, उसमें हमने एक नया गठबंधन तैयार किया है, पीडीएम यानी पिछड़ा दलित मुस्लिम न्याय मोर्चा। इसमें सब कुछ क्लियर है, पिछड़ा भी क्लियर है, दलित भी क्लियर है और मुसलमान भी क्लियर है। जब लड़ाई मुसलमान की है और जब मुसलमान लड़ाई लड़ रहा है तो मुसलमान का जिक्र क्यों नहीं है? अब सवाल यह खड़ा होता है, अब लड़ाई एनडीए वर्सेस पीडीएम है, अब लड़ाई सरकार वर्सेस पीडीएम है। पर अखिलेश जी तो कहते हैं पीडीएम नकली ब्रांड है, अखिलेश जी कहते हैं पीडीएम नकली ब्रांड है। अब पहले तो उनको यह तय कर लीजिए कि वो पीडीएम से लड़ रहे हैं या एनडीए से लड़ रहे हैं। अखिलेश जी से सवाल पूछिए कि उनकी लड़ाई पीडीएम से है या एनडीए से है। आप किससे लड़ रहे हैं? लड़ किससे रहे हैं वो पहले तो ये तय कर लीजिए। आप किससे लड़ रहे हैं? हम तो एनडीए से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई हमने अभी बोला आपके, मैंने क्लियर बोला। देखिए अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक में जैन बीजेपी के साथ, सिंधी बीजेपी के साथ, बाकी और जो है वो सब बीजेपी के साथ। मुसलमान जो फैक्टर बड़ा फैक्टर है जिसका नाम लेने में दिक्कत हो रही है, वो 100% बीजेपी के खिलाफ। और उसके बाद साहब हमारा वोट भी लेंगे, हमारा नाम भी नहीं लेंगे, हमको कुछ देंगे भी नहीं। तो पीडीएम जो है वो असली फाइटर है, ओरिजिनल फाइटर है एनडीए के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। अजीज खान साहब अब ये जवाब तो आप असीम वकार साहब को जरूर दे दीजिए, क्योंकि अखिलेश जी राम मंदिर तो गए नहीं, हाँ इफ्तारी जरूर करने चले जाते हैं, और जब इफ्तारी करते हैं तो कांग्रेस की इफ्तारी नहीं करते, वो सीधा दूसरी जगह में चले जाते हैं। अब ये चक्कर क्या है, मामला क्या है? देखिए नाविका जी, संविधान ने सबको हक दिया है कि वो अपनी अपनी बात को रखे और अपने अपने कैंडिडेट को जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ाए और किसी भी रूप में लड़ाए, चाहे वो पीडीएम के रूप में लड़ाए, पीडीए के रूप में लड़ाए, एनडीए के रूप में लड़ाए, इंडिया के रूप में लड़ाए, इस पे मेरा कोई काउंटर नहीं है। हर शख्स आजाद है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो अपनी बात को रख सकता है। देखिए आज जो सबसे बड़ी बात है, अभी देखिए नलिन कोहली जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कहा वायदे नहीं इरादे हैं। मैं तो इनको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, इरादे नहीं ये झूठे वायदे हैं। इन्होंने अब तक 10 साल में ये नहीं बता पाए कि इन्होंने काम क्या क्या किया है। ये काम की बात नहीं करते, ये आज भी टेलीविजन से लेकर के बाहर ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, ये अपने अचीवमेंट को नहीं बता पा रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने वादा किया था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, आज साहब इस पे बात नहीं करना चाहते। आज भी माननीय अमित शाह जी पश्चिम में थे, उन्होंने कोई अचीवमेंट की बात नहीं की, वहां पर भी हिंदू मुसलमान, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री, वो अचीवमेंट की बात नहीं करते, वो भी हिंदू मुसलमान। हम जानना चाहते हैं कि इस देश का नौजवान आज जानना चाहता है कि 10 साल पहले आपने वायदा किया था, आपने कहा था बेरोजगारी हम खत्म कर देंगे, आप उस पर बात क्यों नहीं करते? किसानों की बात क्यों नहीं करते? पिछली बार आपने वायदा किया था एमएसपी की गारंटी देने के लिए, आज तक आपने नहीं दिया, 750 किसान आत्महत्या कर लिया, किस तरह शहीद हो गया। सवाल इस बात का है कि कब तक गुमराह करेंगे हिंदू और मुसलमान के नाम पे? आप कह रहे साहब इफ्तारी में जाते हैं, गुमराह कौन कर रहा है? इसमें गुमराह कौन कर रहा है? असीम वकार साहब, गुमराह कौन कर रहा है पहले ये तो बता दीजिए, सपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है या बीजेपी कर रही है? मुझे कंप्लीट करने दे प्लीज। अच्छा अजीज खान साहब कंप्लीट करिए, फिर वकार साहब। देखिए नाविक देना चाह रहा था, बात करती है हमेशा भाईचारे की बात करती है, कौमी इत्तेहाद की बात करती है और हमेशा करती रहेगी। हम नफरत पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ हैं जो भाई को भाई से जुदा कर रहे हैं, पड़ोसी को पड़ोसी से जुदा कर रहे हैं। आज बीजेपी ने यह माहौल बनाया है और वो चाहती है कि उससे सवाल ना किया जाए, वो ऐसे हालात पैदा करके लोगों को गुमराह करना चाहे। जवाब दीजिए असीम बकार साहब, माहौल कौन खराब कर रहा है? नहीं देखिए सीधी सी बात, आप मुसलमान का वोट लेना चाह रहे हैं लेकिन हक देना नहीं चाह रहे हैं। ये फैक्टर इसलिए खड़ा हुआ कि पल्लवी पटेल आपके साथ थी, अपना दल कमेरावादी इंडिया गठबंधन का हिस्सा था,
उन्होंने एक जायज सवाल उठाया था जो मैंने उठाया था कि जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो आपने पीडीए पीडीए चिल्लाकर पीडीए रखा ही नहीं, ना उसमें माइनॉरिटी थी ना उसमें पिछड़ा था। जायज सवाल उठाया भाई पीडीए आपसे, जब आपका जो पीडीए है जब वो टूटा, इंडिया गठबंधन टूटा, पल्लवी पटेल को आपने हटाया है, आपकी वजह से निकली है वो, असद ओवैसी साहब की गलती नहीं है उसमें। दिक्कत तो ये भी है हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या दिक्कत ये नहीं है कि शिवपाल जी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते लोकसभा की, अपने बेटे को खड़ा करना चाहते हैं, अखिलेश जी ढूंढ रहे हैं सीट, अब तक मिली नहीं कोई सेफ सीट, आज कन्नौज सब करने लगे जब वो कन्नौज की तरफ गए लेकिन अनाउंसमेंट फिर भी नहीं आया, कहीं ना कहीं एक अकेला मोदी सब पर भारी पड़ रहा है लेकिन कोई एडमिट नहीं करना चाह रहा, आप क्या कहेंगे? नविका जी बिल्कुल यही स्थिति है, और भले राम मंदिर कोई विपक्षी पार्टी नहीं जा रही हो लेकिन सब राम भरोसे हैं। इनको लग रहा है कि कुछ तो ऐसा हो जाएगा, दो बार लगातार नरेंद्र मोदी जीत गए तो जनता शायद कहे कि नहीं चलो कुछ दे देते हैं। वरना आप सोचिए जिस पार्टी की ये स्थिति नहीं है कि वो पार्टी अपने परिवार के बाहर किसी को सांसद बना पाए, जिस दूसरी पार्टी की ये स्थिति ही कि अपने परिवार की भी दो सीटों में से एक सीट हार जाए और अभी तक उन दोनों सीटों पर प्रत्याशी नहीं घोषित कर पाए, जिस पार्टी में समाजवादी पार्टी की बात करें तो स्थिति ये है कि बदायूं की सीट पर पहले भाई फिर चाचा और अब फिर से लग रहा है कि भाई, मुरादाबाद और रामपुर में प्रत्याशी दौड़ते दौड़ते जाता है, नामांकन का समय खत्म होने लगता है, एक कहता है हमारा बी फॉर्म सबमिट हो गया है, दूसरा कहता है नहीं नहीं भाई अब दूसरा वाला बी फॉर्म आ गया है, आजम साहब ने दूसरा बता दिया। आप कल्पना कीजिए जिस समय में इन पार्टियों को यह कहना चाहिए था कि हमारे प्रत्याशी तय हो गए, हम सब कुछ बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, उस समय ये अपने प्रत्याशियों को ऐसे बदल रहे हैं जैसे ये एकदम सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। तो दरअसल ये राम भरोसे हैं सब लोग, इनको लगता है। और देखिए शिवपाल यादव ने जिस तरह से मना किया चुनाव लड़ने से, अपने बेटे का नाम जिस तरह से बढ़ाया, और उसमें भी रोचक बात धर्मेंद्र यादव ने कही, वो कह रहे हैं कि शिवपाल चाचा लड़ते तो हम शायद न मदद कर पाते उस तरह से, अब आदित्य लड़ेंगे तो हम अच्छे से मदद कर देंगे। अब ये भी समाजवादी पार्टी का अजब किस्सा है कि चाचा जी लड़ते तो हम क्यों न कर पाते। अब इस स्थिति में नरेंद्र मोदी जिस तैयारी के साथ हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो वातावरण दिख रहा है उसमें क्या समाजवादी पार्टी अपने घर की भी सीटें बचा पाएगी क्या, ये सचमुच बहुत बड़ा प्रश्न है। बिल्कुल। और तहसीन नलिन जी मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन तहसीन पूनावाला कितने लोग छोड़कर जाएंगे, वायनाड चले गए राहुल गांधी अमेठी छोड़कर, संजय निरुपम आज चले गए, आपकी अपने अलायंस में आपके ही स्टेट में पृथ्वीराज चव्हाण को शरद पवार ले जा रहे हैं, अपने घर में ही डाका डल गया और कह रहे हैं अलायंस बड़ी अच्छी चल रही है, और किन किन के नाम लूं, विजेंद्र सिंह जिनकी बात कर रहे थे आप कि भाई मथुरा से लड़ेंगे, रोज खड़े हो जाते थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ, आज वो बीजेपी में, बीजेपी उन्हें क्यों ले रही है ये अलग किस्सा है, लेकिन आपको तो सब छोड़कर जा रहे हैं, कोई आ नहीं रहा आपके पास तहसीन पूनावाला। सवाल ये है कि जिनको अमेठी रायबरेली के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा, जिनको आप लीडर ऑफ अलायंस कह रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उनकी सीट में वायनाड में, आप कहां के राजा हैं भाई? नहीं नाविका जी, हम कोई राजा नहीं, हम बस सेवक हैं, राजा तो बैठे हुए हैं नाविका जी, हम सेवक हैं, प्लीज हमें राजा में मत गिनिए, हम सेवक हैं नाविका जी। कंगना जी ने थोड़ा हर्षवर्धन जी को मैं क्लियर कर, कंगना जी ने कहा था राजा बेटा, नाविका जी एक मिनट, राजा बेटा जी किलो ने कहा था, कंगना जी ने जिनको आपकी पार्टी ने बहुत कुछ कहा, कंगना जी ने आपको उर्मिला और मेरी दोस्त उर्मिला के बारे में भी बहुत कुछ कहा था, मैं उनपे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, उनको छोड़ देते हैं, हम हर्षवर्धन जी जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ उनपे मैं थोड़ी सी, उन्होंने कुछ सवाल उठाए बहुत अच्छे सवाल उठाए उनपे मैं बात करता हूँ। हर्षवर्धन सर ने कहा कि देखिए जो विपक्ष के नेता है ये लोग राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं गए, इनॉग्रेशन मंदिर में नहीं गए इन्विटेशन होने के बावजूद, बिल्कुल सही, लेकिन हर्षवर्धन जी ये तो इन्विटेशन माननीय अमित शाह जी के पास भी आया, वे भी नहीं गए, माननीय राष्ट्रपति के पास भी आया, शायद उनको कहा गया था मत जाइए, तो क्या वे भी राम जी के खिलाफ है, ये तो मैं नहीं मानता हूं, तो फिर ये कैसा तर्क हुआ? दूसरी चीज नाविका जी,
मान लो कि मोदी जी इतने पावरफुल हैं, मोदी वर्सेस ऑल इतनी पावरफुल इनकी टीम, तो काहे रेफरीज को खरीद रहे? अगर फुटबॉल मैच है तो रेफरीज को काहे खरीद रहे? वो रेफरीज बाकी ऑपोजिशन टीम के प्लेयर्स को अपनी टीम में काहे ले रहे? गोल कीपर को जेल में बंद कर दिया है, फिर कह रहे हमने गोल मारा, ये कौन सा होगा? अगर आपको खेल के ना 11 खिलाड़ी सहित उस साइड के खिलाड़ी जेल में आपने डाल दिए, फिर आप कह रहे हो कि सारे एडवर्टाइजर स्पॉन्सर्स आपके पास आ गए। नलिन कोहली जी, अरविंद केजरीवाल गोलकीपर है, संजय सिंह गोलकीपर नहीं है, अब इसका जवाब दे दीजिए तहसीन पूनावाला जी को। मुझे पता नहीं कहां से कौन कीपर है, कौन गोलकीपर है, कौन पैसे का कीपर है, कौन पैसे का कीपर नहीं है, ये तो ये समझा पाए कि हम तो इतना देखते नहीं। उनको फुटबॉल की तरह बना रखा है केजरीवाल जी ने पूरे आम आदमी पार्टी को, मतलब दो मंत्री उनके जेल गए, उनके इस्तीफा ले लिया, खुद जेल गए तो बोले जी मैं इस देश की सेवा करना चाहता हूँ। बस सत्ता की सोच कहां तक जाती है मैं कह नहीं सकता। अब ये इस पार्टी को जाने, लेकिन आज जो एसवी राजू जी एएसजी साहब ने कोर्ट में किया है बहस, वो सारा सबको सुन लेना चाहिए। मतलब मुझे ये भी हैरानी होती है कि कोई व्यक्ति जो चार्जशीट हो गया है जिसके ऊपर ट्रायल होने वाला है, वो जेल से निकलते हैं और आम आदमी पार्टी है कि हमारी मॉरल विक्ट्री है, मतलब डिस्चार्ज नहीं हुआ कोई, तो अजीब बातें हैं। मतलब नए मापदंड है ये ऑनेस्टी के जो आम आदमी पार्टी बात करती है। लेकिन मैं दो तीन विषय और बोलना चाहूंगा। मैंने ना बड़े गौर से दोनों असीम साहब और असीम साहब दोनों जो है बड़े वरिष्ठ नेता हैं अपनी अपनी पार्टी के, और अपने असीम साहब वकार साहब ने कहा कि मुसलमानों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या है। कांग्रेस जो है मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति से देखती है, भाई अपना वोट हमें दीजिए, हम ही आपकी हिफाजत करेंगे, चाहे काम करे ना करे वो विषय नहीं है, बस आप वोट हमें दीजिए हम आपकी हिफाजत करेंगे। अब मैं असम की बात कर लेता हूं, वहां से जुड़ा हुआ हूं। हिमंतो बिस्व शर्मा जी क्या कहते हैं, मुसलमान इलाके में जाकर कहते हैं जी मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मैं यहां सिर्फ विकास करने आया हूं, मैं विकास करता रहूंगा, आप वोट मत दीजिएगा, क्योंकि अभी आऊंगा तो सौदा हो गया ना कि मैं विकास आपके लिए कर रहा हूं और आपसे वोट मांग रहा हूं, अभी ये चुनाव निकलने दीजिए, अगले चुनाव में आप अपने आप से मुझे आगे जाकर कभी वोट देंगे, क्योंकि आप देखेंगे बिना वोट मांगे मैं आपके सेवा भाव से हूं। क्यों कह रहे वो? क्योंकि ये मोदी जी के सरकार की नीति है। मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही एजेंडा है 10 साल से। कौन से भारतीय स्कीम में लिखा हुआ है कि यह मुसलमानों के लिए नहीं होना चाहिए, या हिंदुओं के लिए नहीं होना चाहिए, ईसाई के लिए नहीं होना चाहिए, या सिर्फ ये मुसलमानों के लिए, सिर्फ ये हिंदुओं के लिए, ईसाई के लिए, बौद्ध, जो भी हो, सिख धर्म, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वोट बैंक की राजनीति, सेवा भाव की राजनीति, दो अलग मापदंड है। फिर मुझ पर ही आरोप लगाया हमारी पार्टी पे कि आप कुछ काम ही नहीं करते, नौकरी नहीं देते। मैं एक उदाहरण और दे देता हूं मनाविका जी, जो भी मुझे 22 साल हो गए राजनीति में रहते हुए, मैं ये समझ नहीं पाया कि जनता फिर उस पार्टी को वोट क्यों देती है, उस नेता को क्यों वोट देते हैं जो उनके लिए काम नहीं कर रहा। भाई मोदी जी के ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल से जनता देखकर ही तो वोट दे रही है, हर बार वोट बढ़ा रहे हैं। एक मिनट, तो मतलब ये कैसी बात हो सकती है कि जनता का की बुराई हो रही है और जनता वोट उनको दे रही है? ऐसा थोड़ी ना होता है। आज की जनता हर चीज देखती है। अब मोदी जी ने एक उदाहरण दिया स्टार्टअप को लेके। इस देश में मोदी जी के आने से पहले चंद 200-400 स्टार्टअप थे, 10 साल में 125,000 स्टार्टअप है 600 डिस्ट्रिक्ट से। क्या कहा फिर प्रधानमंत्री जी ने कि 600 डिस्ट्रिक्ट का मतलब Tier 2, Tier 3 टाउन्स, लगभग पूरे देश में नौजवान लोग अपनी कंपनियां बना रहे हैं, वो किसी को दिखता नहीं है। 10वें नंबर से 4थे नंबर पे अर्थव्यवस्था आ गई, वो किसी को दिखता नहीं है। गरीबी मात्रा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहती है भारत में कम हुई है, वो किसी को दिखता नहीं है। लेकिन राजनीति करने के लिए, वोट बैंक के लिए दिखता है कि हमें बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, मुस्लिम मेरा मुस्लिम तेरा यही चल रहा है। वहां पूर्णिया में कोई एक साथ नहीं बैठा हुआ, वहां चले जाइए आप वायनाड में, वहां कोई साथ में नहीं है, डाके डल रहे हैं दिन दहाड़े महाराष्ट्र में, लेकिन हम सब साथ हैं। शंकरलाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी अगर 5 साल के लिए राजनीति से दूरी बना लें तो शायद कांग्रेस का प्रदर्शन सुधर जाए। अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, कांग्रेस क्या आज इतनी बेबस हो गई है कि दिल्ली में आपके साथ और पंजाब में आपके खिलाफ है, दिल्ली में लेफ्ट के साथ मिलकर लोकतंत्र बचाना है और केरल में लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ना है, चल क्या रहा है भाई?
बताइए, जनता कंफ्यूज्ड है। तहसीन जी, इसके पहले मैं एक चीज का सिर्फ जवाब दे देता हूँ। नलिन जी ने कहा कि जनता बिल्कुल मूर्ख ने बिल्कुल मोदी जी को 10 साल से वोट दे दिया, और बिल्कुल मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। तो वही जनता ने 60 साल तक कांग्रेस को जीता है ना, तो फिर जब मोदी जी कहते कुछ नहीं हुआ 60 सालों में, मोदी जी को भी इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, भाजपा को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए, जनता के सवालों का भी जवाब दे दीजिए। जी जी, मैं बिल्कुल उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए, पंजाब और केरल में भाजपा का कोई जनाधार नहीं है, उनकी कोई सीट नहीं आ रही। इनफैक्ट मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ आपके शो पे, भाजपा इस चुनाव में 170 सीटें क्रॉस करने नहीं वाली है। वाह, सारे स्टेट्स में आपको गिना दूं। आपके कितने आ रहे हैं? 400 पार कांग्रेस पार्टी, 400 पार? नहीं नहीं नहीं, इनकी इनकी 180-195 आएगी कांग्रेस के खुद। अरे वाह, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप और हम और जितने सर्वे करते हैं, ये सारी कंपनियां बंद हो जानी चाहिए, क्योंकि देश में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है, अब इसको कम करने के। और बोल के खुद ही हंस रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, आप बता दीजिए, कांग्रेस के 400 पार होने वाली है? नहीं, 190 सीट दे रहे हैं बीजेपी को, बाकी की 310 जो है वो कांग्रेस पार्टी की है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, रियलिटी चेक, रियलिटी चेक। मैं कहता हूँ कि कम से कम इसी आधार पर तहसीन भाई को कांग्रेस को प्रत्याशी बनाना चाहिए, चुनाव लड़ाना चाहिए। अमेठी से या रायबरेली से? अब ये तो खैर कांग्रेस पार्टी तय करे, लेकिन मुझे लगता है कि तहसीन पूनावाला जी ने वो काम किया है जो काम राहुल गांधी से लेकर शरद पवार से लेकर कोई नेता करने का साहस नहीं कर सका। अभी कोई ये भी नहीं कह रहा है, कोई नेता कांग्रेस का अभी तक नहीं बता पाया है कि हम 100 सीट भी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। कोई नंबर देने को तैयार ही नहीं है। मैं पहली बार किसी नेता को सुन रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेता आते हैं वो भी बोलने से बचते हैं। हर कोई इस पर बहस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी। वो कहते हैं ना ना, बहुत साहस जुटाते हैं तो कहते हैं अरे भाई यहां रुक जाएंगे, या कहते हैं कि 370 नहीं पाएंगे। लेकिन अगर तहसीन भाई ने यह दुस्साहस किया है तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी को इन्हें बड़ा उसका पारितोषिक देना चाहिए, यह हम सब की तरफ से रिकमेंडेशन। तहसीन पूनावाला जी, अमेठी से लड़ेंगे, रायबरेली से लड़ना चाहेंगे? कैंडिडेट है नहीं वहां? नहीं नहीं, कैंडिडेट बहुत है वहां पर, इनकी स्ट्रैटेजी अलग है। लेकिन मैं दोबारा से कह रहा हूँ, भाजपा 170 क्रॉस नहीं करेगी और कांग्रेस 190 पे आएगी। एब्सोल्युटली आप ये नोट कीजिए, ये चुनाव कांग्रेस 190 पर और विपक्ष इंडिया लाइन सरकार बना। चलिए चलिए, बहुत से यहाँ पर ज्ञानी बैठे हैं। असीम बकार साहब, कांग्रेस 190 सीटें, कांग्रेस आपकी अनुमति से जी, नाविका जी आपकी अनुमति से जी, आपकी अनुमति से इस शो में जो ये बड़ा दिलचस्प मोड़ तहसीन जी लेकर आए हैं, मुझे लगता है बाकी भी हमारे पार्टी के जो सहयोगी हैं उन्हें भी ये बहुत अति दिलचस्प लगा होगा कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उम्मीद नहीं कर रहे, तहसीन जी ने उस पर एक उवाच दे दिया है। जरूर याद रखिएगा इस शो को और जरूर इसको फिर से दिखाइएगा नाविका जी। बिल्कुल, रिपीट वैल्यू है इसकी। अजीज खान साहब, 190 सीटें कांग्रेस की। देखिए नाविका जी, इसमें बहुत अचंभित होने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसमें बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल सुन करके ऐसा लग रहा है साहब, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही होने जा रहा है। अरे, इस देश में उबाल है, उस वोटर साइलेंट है, पहली बात तो समझ ले आप, वोटर चिल्ला नहीं रहा है। चिल्ला कौन रहे हैं? बीजेपी के समर्थक, कट्टर भक्त और मीडिया। 400 पार कह रही है जो कि 400 हार है, इस बात को समझ ले। सच्चाई ये है कि हालात उल्टा है। आप जो वोटर है ना, साइलेंट है, वो अंदर ही अंदर उड़ रहा है कि बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे, ख्वाब दिखाए थे, पूरा कुछ नहीं किया। और वही वायदे और दावे का सिलसिला अभी भी जारी है, अभी भी गुमराह करने की कोशिश। लेकिन जनता होशियार हो चुकी है, इसलिए इसमें हमें बहुत अचंभित होने की जरूरत नहीं है। तो असीम बकार साहब, असीम बकार साहब, सारे वोट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को जाने वाले? असीम साहब से रिक्वेस्ट करिए ना, अमेठी या रायबरेली से खड़े हो जाए। मोदी जी को वायनाड भेज दीजिए एक बार, वहां से लड़ जाए राहुल गांधी जी के खिलाफ। आपसे मैं बताऊं आपसे, अभी 4-5 दिन पहले की एक बात थी, मेरा दिल चाह रहा है मैं यहां शेयर कर दूं। 4-5 दिन पहले एक चैनल से मेरे पास फोन आया कि आपको आज डिबेट में रहना है, फला फला टाइम पर। मैंने कहा नहीं रहेंगे साहब। मैंने कहा पैनल बता दीजिए कौन कौन है।
तो जो कोऑर्डिनेटर साहब थे वो चैनल का नाम ना पूछिएगा, कहने लगे कि देखिए सपा रहेगी, कांग्रेस रहेगी, बीजेपी रहेगी, आप रहेंगे और एक कोई बीजेपी का पत्रकार रहेगा। तो मैं कस के हंसा, मैंने कौन सा पत्रकार रहेगा? कहने लगे बीजेपी का पत्रकार। समझ गई ना आप? अब नलिन कोहली साहब अभी गिना रहे थे, दूसरा एक टॉपिक लेके आऊं, नलिन कोहली साहब बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था मेरी इतनी अच्छी हो गई और देश से गरीबी खत्म हो गई। सर वकील हैं आप, बहुत बढ़िया, और जब आप बहस करते होंगे सुप्रीम कोर्ट में तो आप ऐसे सबूत पेश करते होंगे कि जज साहब आपकी बात मान लें, और आप यहां देश को बता रहे हैं कि गरीबी खत्म हो गई और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और आपके सारे नेता कह रहे हैं कि 82 करोड़ लोगों को आप फ्री में राशन दे रहे हैं, उनके पास पैसे ही नहीं खा राशन खरीदने के। 2014 से पहले ये आंकड़ा 25 करोड़ का था। तो आप कह रहे हैं, बीजेपी को तो वोट जाने नहीं वाला। 82 करोड़ नहीं नहीं तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी क्या? 190 सीट, 272 सीट, 400 पार कांग्रेस पार्टी। भाई बात समझिएगा, देखिए अब हम लोग तो पूरी सीटें लड़ नहीं रहे, MIM तो पूरी सीटें नहीं लड़ रही है देश में, लेकिन हमारी दुआ यह है और तमन्ना भी यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब की से ना बने। और कांग्रेस? तो हमारी दुआ एक ही शर्त पर कबूल हो सकती है। नहीं, हमने क्या कहा आपसे, हमारी दुआ एक ही शर्त पर कबूल हो सकती है कि विपक्ष जो है वो जीत जाए। तो मेरी तो दुआ है, मेरी तो तमन्ना है तहसीन साहब के साथ। चलिए, अब तक आप लड़ रहे थे, पीडीए वाले डॉक्टर अजीज खान साहब से, अब मोहब्बत की दुकान आपने खोली ली है तो हाथ मिला लीजिए उनसे। फिर क्या पीडीए और पीडीएम में इतना फर्क करने का? कह दीजिए आपकी बात हम मानते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में दलितों का एक नेता है, वो नगीना से इनके साथ था, नगीना से उसका टिकट क्लियर हो गया, अखिलेश जी ने उसको टिकट नहीं दिया, उसका टिकट काट दिया, क्या करेगा वो? और जब लड़ेगा चुनाव तो बीजेपी का एजेंट कहलाएगा। पल्लवी पटेल इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी, आपने उनको टिकट ही नहीं दिया, उनको गठबंधन में नहीं रखा, क्या करेंगी? चलिए अब MIM वाले चलिए नहीं कर रहे हैं। मैं हम लोगों से दूर भाग रहे हैं। मैं समझती हूँ तो नहीं, मैं समझती हूँ कि आप चुनाव जीतेंगे या कांग्रेस जीतेगी, ये आप कहना चाह रहे हैं। आप सब यहाँ बैठकर जरूर जीत जाएंगे, कैंडिडेट मिले ना मिले। आम आदमी पार्टी ने अपने दिल्ली के कैंडिडेट दे दिए हैं, दिल्ली में नाक के नीचे अभी तक कांग्रेस ने तीन सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं दिए हैं, रायबरेली अमेठी तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन सवाल जो जनता और भी पूछ रही है, विनीत तलेसरा का उदयपुर से सवाल है, विपक्ष के नेता मान क्यों नहीं लेते कि इंडी गठबंधन टूट फूट चुका है। पुष्पक जोशी का इंदौर से सवाल है, कांग्रेस SDPI से समर्थन लेने से ये कहकर इनकार क्यों नहीं कर देती कि हम धर्म निरपेक्ष पार्टी हैं। राकेश कौशिक का करनाल से सवाल है, नोमानी साहब ने राहुल जी को कहीं धर्म संकट में तो नहीं डाल दिया, कहीं कांग्रेस ये तो नहीं सोच रही कि हिंदू वोट और भी ज्यादा छिटक जाएगा। ये सवाल जनता समझ रही है और आपकी दुविधा भी जनता समझ रही है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि जिनके घर में आपस में ही लड़ाई हो रही है, डाके पड़ रहे हैं, जो कल तक आपके कैंडिडेट थे आज बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, उस पार्टी के कॉन्फिडेंस लेवल का आप क्या कहेंगे? और दूसरी तरफ देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ दौरे और रैलियां कर रहे हैं बल्कि बूथ लेवल के हर कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, क्योंकि सारी स्ट्रैटेजी अपनी जगह, लेकिन चुनाव के दिन बूथ पर विजय या हार का पूरा फैसला होता है, तो सब पर फोकस कर रहे हैं। अब इसमें क्या लग रहा है, कौन ज्यादा तैयार है, राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़े, ये तय करने का अधिकार उनका है और कांग्रेस का है, लेकिन जिस अमेठी सीट को नेहरू गांधी खानदान ने दशकों तक अपना बनाकर रखा, वहां एक हार के बाद कांग्रेस अपना उम्मीदवार ही नहीं उतार सक रहा, इससे बड़ी कॉन्फिडेंस डेफिसिट का नजारा क्या हो सकता है? दुनिया आज यही सवाल पूछ रही है।
तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपका भी दर्शकों सवाल पब्लिक का शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेती हूँ आपसे इजाजत, नमस्कार।